खरगोन जिला अस्पताल में सफाई ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाने और हटाए गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखे जाने की मांग को लेकर शनिवार सफाई कर्मियों ने नाराजगी दर्ज कराई। सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष हुजैफा खान ने बताया कि अस्पताल में कामथन सिक्योरिटी एजेंसी ने सफाई का ठेका लिया है और उसी के अधीन वे लोग कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 3 सफाई कर्मियों को बिना कारण हटा दिया गया है, जिससे साथी कर्मचारियों में नाराजगी है। इसके अलावा उनकी वेतन से काटे जाने वाली पीएफ राशि को लेकर भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी। उनकी मांग है कि पीएफ राशि देने के साथ ही हटाए गए 3 सफाई कर्मियों को दोबारा काम पर लगाया जाए। सिविल सर्जन ने कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद उन्हें कंपनी से चर्चा कर समस्या के हल का आश्वासन दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हुजैफा खान, जो सफाई कर्मचारी संघ का मुझे अध्यक्ष से चुना गया है, और हम ये मांग लेकर गए थे कि जो 3 कर्मचारी बंद है उनको कार्य पर वापसी लिया जाए और जो हमारी राशि कटती है सैलरी में से वो हमको प्रदान की जाए। और कोरोना, हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कार्य करें और कोरोना को तीसरी लहर में फिर मात दें। अभी आप साहब से भी मिले, क्या आश्वासन दिया आप? साहब ने यह आश्वासन दिया कि मैं कंपनी के मेंबर को बुलाता हूँ और 2-1 रोज में इसका निराकरण करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? हुजैफा खान, अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।